माननीय हाईकोर्ट के आदेश के एक छोटे ऑपरेटिव हिस्से पर स्टे दिया है, जिसमें सीबीआई को 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बाकी जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है, जिसमें उन्होंने आरोपों को गंभीर माना है वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है, जिन्होंने उन्होंने जांच की आवश्यकता बताई है वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें, वो पूर्णतः तर्कसंगत है। बिहार में आसन्न हार को टालने का मोदी जी का ये अंतिम प्रयास है, लेकिन और बार गुजरात में वो सफल हो गए थे, मगर बिहार में वो आसन हार को टालने में सफल नहीं होंगे और बिहार में महागठबंधन जीतने जा रहा है और सरकार श्री तेजस्वी के नेतृत्व में बनने जा रही है। क्या पाकिस्तान में साजिश रची गई तो वो साजिश नहीं है? क्या कांग्रेस ने ये सवाल किया कि इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंच गया हमारी सीमा के अंदर और वो मोस्ट सिक्योर नेशनल हाईवे में कैसे एक कार इतने लंबे समय तक प्रवेश कर गई, इनमें जो षड्यंत्र है उसकी जांच हो, तो क्या ये तथ्य नहीं है जो कांग्रेस ने कहे? हमने जो सवाल उठाए थे वो आज भी मौजूद हैं और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि एक षड्यंत्र रचा गया, चाहे वो पाकिस्तान में रचा गया, पाकिस्तान का कश्मीर की सारी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है, तो मगर केंद्र सरकार उस षड्यंत्र का पूर्वाभास नहीं लगा सकी और इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स आने के कारण हमने अपने जवानों की जिंदगी से हाथ धोया, तो उस बात को तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा।